मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 101। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप सात पार्टी। अगर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ और जो खामोश इनकलाब था, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। आठ फरवरी को पाकिस्तान की गयूर अवाम ने इमरान खान के नजरियों को, उसकी जदोजहद को, उन निशानों को, जो कोई बैंगन था, कोई ढोल था, कोई जूता था, कोई घड़ियाल था, ढूंढ ढूंढ के मोहर लगाई और 180 सीटें हमें दी। और फिर क्या हुआ, एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ और आप जानते हैं आपकी क्यादत जानती है कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया और 80 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गई। जनाब स्पीकर, अगर वो 180 सीटें हों और हमारी खसूसी नशिस्तें हों तो आज भी तहरीक इंसाफ इस ऐवान की सबसे बड़ी अकेली सिंगल लार्जर पार्टी है। मैं इस पार्टी का चीफ विप रहा हूं, मुझे फिर खान साहब ने, मेरे कायद ने चीफ विप बनाया। काउंटिंग मेरा काम है, आप जानते हैं। मैं 225 सीटों के साथ आज इस ऐवान में खड़ा हूं। मैं सलाम पेश करता हूं अपने इन भाइयों। जनाब स्पीकर, 94 सीटों का रिजल्ट हमें दिया गया, एक शख्स लोटा बन गया, 2 के नोटिफिकेशन रोके हुए हैं। ये 91 आज सुबह मेरे साथ इकट्ठे आए, आज सुबह तक इन पर बेपनाह प्रेशर था, दबाव था और आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ हमारे साथ साल डेढ़ साल से हो रहा है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि पूरे 91 के 91 वोट हमारे निकले। बावजूद इसके कि मेरे समेत, जनाब स्पीकर, ये मौजजा है कि हम जिस आग के दरिया को अबूर करके आए हैं, मेरे समेत इस ऐवान में इन मेंबरान में से कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसमें कम से कम 10 पर्चे ना हो, कम से कम 10 मुकदमात ना हो। और आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप ऐवान की बालादस्ती की बात करते हैं, ठीक कहा मेरे भाई ने, ताकत का सर चश्मा आवाम है, ये सब किताबी बातें हैं, सब नारे हैं। मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आ गई कि कितने अफसोस की बात है, यहाँ बहुत सीनियर्स बैठे हैं, कि जिसने कहा, नहीं जनाब, इस मुल्क में मैटर वो करता है वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। और ये साबित हुआ है कि वोट डालने वालों के मैंडेट का यहाँ ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया, ना उनकी उस वोट की ताकत के मैंडेट को तस्लीम किया गया, बल्कि जिन्होंने वोट गिने, अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत, यह तमाशा था। जनाबे स्पीकर, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी, ये ऑक्शन थी। और इस ऑक्शन में जानते हैं, मेरे कई सूबों के मेंबरान यहां बैठे हैं जिनको पता है कि इस ऑक्शन में बोलियां लगी, उन सीटों की कीमतें लगी और वो कीमतें और वो सीटें बिकी और फिर उन लोगों को करोड़ों रुपए के अवज यहाँ का ऐवान का मेंबर बनाया गया। मेरा दिल दुखता है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं तीसरी दफा इस ऐवान का हिस्सा बना हूं। कल कहने के तो ये तारीफी सेशन था,
लेकिन मेरे दोस्तों के चेहरे लटके हुए थे, सोगवार थे, रंग उड़े हुए थे, जमीर मुर्दा थे। कल मुझे कहने दीजिए कि कल का ये सेशन ताजियती सेशन था, ये तारफी सेशन नहीं था, ये ताजियती सेशन था, ये ताजियती सेशन था। आज पूरा मुल्क सोगवार है। इलेक्शन होता है, एक नई चमक आती है, एक रमक आती है, लोगों में एक उम्मीद पैदा होती है कि एक हुकूमत बनेगी, हमारे मसाइल का मदावा करेगी। आज सबसे बड़ा मसला हमें अपने एनर्जी क्राइसिस का है।